पैगंबर कार्टून विवाद के बीच फ्रांस की चर्च पर हमला हुआ है। धारदार हथियार से किए गए इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने एक महिला का गला काटकर निर्मम हत्या की है। ये घटना फ्रांस के नाइस शहर में हुई है। शहर के मेयर ने इस खौफनाक घटना को आतंकवाद करार दिया है। मेयर क्रिश्चियन स्टोर्सी ने कहा कि चाकू से ये हमला शहर के नोट्रे डेम चर्च में हुआ। हमलावर को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और कई अन्य घायल हैं। फ्रांस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने कहा कि उसे इस हमले के जांच की जिम्मेदारी दी गई है। घटनास्थल पर मौजूद पत्रकारों का कहना है कि हथियारबंद जवानों ने चर्च को घेर लिया है। मौके पर एम्बुलेंस और फायर सर्विस की गाड़ियां मौजूद हैं। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पूरी दुनिया में फ्रांस के स्कूली शिक्षक का सिर काटे जाने पर बहस जारी है। शिक्षक सैमुअल पैटी का एक इस्लामिक हमलावर ने इसलिए सिर कलम कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों को पैगंबर का कार्टून दिखाया था। फ्रांस की मैगजीन शार्ली एब्दो के एक नए कार्टून पर भी विवाद छिड़ गया है। तुर्की ने खास तौर पर इसे लेकर नाराजगी जताई है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कार्टून को बनाने वालों को दुष्ट करार दिया है। ये कार्टून दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान का है। इसमें वे अर्धनग्न अवस्था में हाथ में बियर लेकर एक महिला का स्कर्ट ऊपर करते दिखाए गए हैं। इस कार्टून के सामने आने के बाद तुर्की ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। ये कार्टून एर्दोगान के उस हालिया अपील के बाद आया जिसमें उन्होंने फ्रांस के सामानों के बहिष्कार करने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर भी सवाल उठाए थे। मैक्रों ने दरअसल पैगंबर मुहम्मद के शार्ली हेब्दो में छपे कार्टूनों का बचाव किया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।